हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर क्लासेस। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हमने एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर दी थी। उसके सॉल्यूशंस मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 3 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एनसीईआरटी बुक से है। कहता है कॉनिकल टेंट, ये कौन है? अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ठीक है, एक टेंट है जिसकी रेडियस काफी ज्यादा है। टेंट इसी तरह का होता है और हाइट जो है ये है। ठीक है, गिवन आपकी है हाइट जो कि 10 मीटर है और रेडियस जो है 24 मीटर है। ठीक है, इस सब के बाद आपको क्या निकालना है? पार्ट वन में निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। ठीक है, स्लैंट हाइट के लिए एल आपको निकालना है, यानी ये एल है, एच और आर है। तो एल आपका क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम ठीक हो गया जी। अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 प्लस 24 का कितना होता है? 400 576। ठीक है, ये हो गया अंडर रूट 676 विच विल बी इक्वल टू 26 मीटर। ये हो गई आपकी लेंथ। ये लेंथ किसकी आ गई? स्लैंट हाइट आ गई इसकी। ठीक है, इसकी स्लैंट हाइट आ गई जो कि एल है 26 मीटर। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? पूछता है हमसे कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। इसको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट रेट आपका क्या दे रखा है? 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेंट को बनाने के लिए, टेंट को मैन्युफैक्चर बिल्ड करने के लिए और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए? कर्व्ड एरिया जो है इसका वो चाहिए। बेस तो चाहिए नहीं, बेस में तो खाली होगा। ठीक है, कोई कपड़ा नहीं लगेगा, कोई क्लोथ नहीं लगेगा। तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल 22/7। आर क्या है आपका? 24। एल आपको 26 दे रखा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। 24 × 26, 6 × 24, 2 × 6 = 12 और 2 = 14, 2 × 8, 2 × 4, 4 × 8 = 12, 6 × 5 = 6, 6 × 24 किया 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 2 × 8, 2 × 4 एंड 2 × 12। ठीक है, 8 × 4 = 2, 1, 8 × 4 = 12, 2 हासिल लगे 1, 6 × 1 = 7, 2 × 1 = 3 और 1। ठीक है, ये आपका गया 13728/7। मैं 7 इसको एज इट इज रख रहा हूं अभी क्योंकि मुझे निकालनी है कॉस्ट, जहां पर 70 मेरे पास मौजूद है। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवेस इज 70 रुपीज। ठीक है, देयरफोर कॉस्ट ऑफ 13728/7 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू कितनी होगी? 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 13728/7 × 70। मैंने 7 इसीलिए नहीं यहां पर काटा था ताकि यहां पर काम आ जाए आपके। तो 13780 रुपीज इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये बड़ा खर्चा हुआ क्या इसमें? तो टेंट बनाने के लिए 1,37,280 रुपए लगा दिए उन लोगों ने। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।
वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसको उतार लिए। देखें इसमें जो 10 की कॉस्ट जो है वो 10 बनाने के लिए सिर्फ कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ठीक है, बेस नहीं चाहिए, बेस खाली है, वहां पे लोग बैठे होंगे, वहां पे कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए और जो रेट आपको दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दी तो कॉस्ट आ गई कैमरास की, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Pi ki value 3.14. ठीक है, एक rectangular shape में tarpaulin है, मतलब तिरपाल है भैया हिंदी में, ठीक है, जिसकी विड्थ है 3 meter, आपसे लेंथ निकलवा रहा है, लेंथ क्या है ब्रो, सपोज एक्स है, इस टार्पोलिन का इन्होंने बनाया है टेंट जो कि कॉनिकल शेप में है, टेंट की हाइट दे रखी है, ठीक है, एच दे रखी है 8 meter और रेडियस है 6 meter, ऐसे ही है, हाँ जी 6 meter दे रखी है। सबसे पहले इसकी लेंथ निकालने के लिए, अच्छा जब ये टेंट बनाया है तो ये इस मटेरियल का टेंट बनाया है इन्होंने, तो कर्व सरफेस एरिया बनेगा इसका, ठीक है। सबसे पहले तो गिविन देख लेते हैं क्या है, एच आपको गिविन है जो कि 8 meter और रेडियस गिविन है 6 meter, एल सबसे पहले निकालेंगे हम, एल निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे सबसे पहले एल क्योंकि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो हो गया आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 × 64 = 36, कितना हो गया 100, कहने का मतलब हो गया 10 meter आपका आ गया स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जब आपकी 10 meter आ गई तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो गया पाई आर एल, यानी 3.14, क्वेश्चन में दे रखा है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है आपको, आर 6 × 10, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 × 24, 6 × 6 और 2 = 8, बाद में लगाएंगे डेसिमल, अच्छा 6 × 3 = 18, 2 × 10 × 10, तो ये और 1 के बाद आगे और पहुंच जाएगा 10 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो डेसिमल आएगा, यहां पर ये आ गया मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब टार्पोलिन जो है यहां पर हम देख लेते हैं क्या चक्कर है इसका, तिरपाल में ये कह रहा है कि तिरपाल की जो विड्थ है यानी ब्रेथ है 3 meter, ठीक है, लेंथ हमने मान ली इसकी एक्स, लेकिन यहां पर एक और अमेजिंग चीज ये है कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की कुछ एक्स्ट्रा लेंथ थी, आप गौर से देखिएगा, वेट की बात नहीं कर रही है, ब्रेथ की बात नहीं कर रही है, ये कह रहा है लेंथ, लेंथ जो एक्स्ट्रा थी उसकी जो यूज हुई है स्टिचिंग मार्जिन में सीने में और आपका खुदा वाला करे जो वेस्टेज हुआ कटिंग में, वो वेस्टेज कितना था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, वो वेस्टेज था 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ज्यादा था। अब अगर मैं हमें निकालिए एक्चुअल लेंथ इसकी, अगर मैं पूरी लेंथ जो एक्चुअल थी उसकी तिरपाल की एक्स मान लेता हूं तो ये वाली लेंथ हो गई हमारी एक्स माइनस 20 सेंटीमीटर, अभी इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 0.2 meter, ऐसा ही है, ठीक है। देखिए ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है ये वेस्टेज है, ठीक है, ये तो वेस्ट हो गया, लेकिन आपका जो ये रेड शेडेड एरिया है ये एक्चुअल यूज हुआ है टेंट बनाने में, ठीक है, ये तो वेस्ट हो गया, ये टेंट बनाने में यूज ही नहीं हुआ, एक्चुअल जो रेड
हाइलाइटेड एरिया है वो आपका टेंट बनाने में यूज हुआ है। तो इसका एरिया देख लेते हैं ट्रैपलिन का क्या होगा। यहां पर बेस अगर 3 है तो लेंथ आपकी है x माइनस 0.2, ये एक्चुअल इसकी लेंथ होगी, ठीक है, जो यूज हुई है आपके कोन बनाने में। एरिया ऑफ टार्पोलिन, ठीक है, यूज्ड इन कोन, कितना टार्पोलिन यूज हुआ है कोन में, एल इंटू बी, कहने का मतलब है एक्स माइनस 0.2 इंटू 3, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 188.4 के इक्वल है, ठीक है, यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। आपके समझ आ गया, ये जो 20 सेंटीमीटर का है यानी 0.2 मीटर जो लेंथ है इसकी, ये एक्स्ट्रा थी, वेस्टेज थी, ठीक है, इसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। अब ये माइनस करके हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया आ गया टार्पोलिन का, यही एरिया जो है हमारा यूज हुआ है टेंट बनाने के लिए। चलें जी, x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाई 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 6 3 18, आई मीन 3 3 6 3 6 18, 8 आ गया नीचे, 3 2 6 2 आ गया, 8 3 24, ठीक हो गया सर जी, 62.8 आपके पास आ गया। तो फिर x इज इक्वल टू आ गया 62.8 प्लस 0.2 विच इज नथिंग बट 63 मीटर लेंथ ऑफ एक्चुअल टार्पोलिन। एक्चुअल लेंथ ऑफ टार्पोलिन इज 63 मीटर, यही आपकी का आंसर है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा इसको। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से, अगर किसी को समझ में नहीं आया, टार्पोलिन आपको दे रखा है जिसकी विड्थ 3 मीटर आपको दी हुई है। ये कह रहा है कि टार्पोलिन की लेंथ में कुछ लेंथ ऐसी है जो कि 20 सेंटीमीटर लेंथ है, जो स्टिचिंग में और कटिंग में वेस्ट हो गई है। अब जो वेस्ट हो गई है वो इसका मतलब आपके टेंट में नहीं लगी, तो जो वेस्ट नहीं हुई है टोटल लेंथ हमने एक्स अगर इसकी मान लें तो एक्स माइनस 0.2 मीटर में है ये, ठीक है। ये लेंथ अगर हम ब्रेथ इसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आएगा, और ये रेड शेडेड एरिया जो है इसी का आपका कर्व सरफेस एरिया बना है कोन का। तो जी दोनों को हमने कंपेयर कर लिया और एक्स की वैल्यू आ गई 63 मीटर। यहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको अच्छे से उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 से, द स्लैंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। एक गुंबद बनी हुई है कॉनिकल शेप में, क्या क्या दे रखा है आपको, सब कुछ दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर, और डायमीटर दे रखी है आपको कितनी, डायमीटर है आपकी 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 मीटर, ठीक है। व्हाइट वॉश कराना है, व्हाइट वॉश कराने के लिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे पाई आर एल, ठीक है, 22/7 इंटू आर, 7 इंटू एल 25, 7 7 कट गया, 25 50 55, ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका। अब क्या कह रखा है आपको, कॉस्ट दे रखी है, रेट क्या दे रखा है आपको, 210 रुपीज
पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 210/100। ठीक है, ये कॉस्ट होगी, 100 मीटर की कॉस्ट है 210 और 1 मीटर की कॉस्ट होगी 210/100। लेकिन देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 210/100 इनटू 550। ये गया ठीक हो गया। तो 55 × 21 कितना हो गया, 5×5, 5×10, 105, 5, 5, 1, 1 यानी 1155 रुपीज में आपकी गुंबद जो है वो व्हाइट वॉश हो जाएगी। यही आंसर है। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए अच्छे से। बहुत इजी था ये आंसर, ठीक है। व्हाइट वॉश कराना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बादाम खाएंगे तो समझ आएगा, बादाम नहीं खाएंगे समझ में नहीं आएगा। 7 से 8 बादाम रात को सोने से पहले भिगो दीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले उसके छिलका उतार के 7-8 बादाम नहार मुंह खा लेना, ठीक है, चबा चबा कर। और अगर घर में शहद है तो शहद डाल के खा लेना, बेहतरीन नुस्खा है दिमाग बढ़ाने का। व्हाइट वॉश होगा, उसके ऊपर टाइल्स लगेंगे, उसके ऊपर पेंटिंग होगी, कुछ भी होगा, कपड़ा लगेगा, सब कुछ कर्व सरफेस एरिया पर काम होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है बस। तो ये आपका आ गया आंसर, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 मीटर। 7 सेंटीमीटर एंड 24 मीटर हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। आपको यह गिवन है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। जोकर की टोपी देखी है ना, नीचे से खाली खुली हुई, तभी उसमें सर जाता है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है जोकर की टोपी में। तो जोकर की टोपी बनाने के लिए शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उस हिसाब से। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे एल। एल क्या है, लेंथ स्लैंट हाइट, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना हो गया, 625। समझ में आ रहा है, 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए पाई आर एल, पाई आ गया 22/7, आर आपका है 7 इंटू 25, 7 से 7 कट गया, 25 और 22 550 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ये आ गया आपका एक जोकर कैप बनाने के लिए। एक जोकर कैप तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट से बन जाएगा, लेकिन आपको बनाने हैं कितने, 10 सच जोकर कैप्स। तो शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 कैप्स विल बी इक्वल टू 10 × 550, इट इज नथिंग बट दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर की शीट आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 काफी ध्यान से पढ़ना होगा। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। बस स्टॉप को अदर पार्ट ऑफ द रोड से बैरिकेड किया है बाई यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। रिसाइकल कार्डबोर्ड के कोन्स बने हैं 50 होलो कोन्स है।
ठीक है, ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस है आपका 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में कर लेंगे, 20/100 हो जाएगा 0.2 मीटर रेडियस, ठीक है। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको सिर्फ समझना ही होगा कि आपके पास 50 होलो कोन्स हैं जो कि बैरिगेशन के लिए लगाए, बैरिगेट किया है रोड को, ठीक है। ये होलो कोन्स हैं, इसका मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया पर पेंटिंग होगी। आपको एल नहीं दिया हुआ, एल आपको निकालना है सबसे पहले, उसके बाद आप कॉस्ट निकाल सकेंगे इजीली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अमेजिंग चीज ये है, पाई की वैल्यू दे रखी है, गिवन है पाई इज इक्वल टू 3.14, चलिए ये तो हम यूज कर लेंगे। एक हमें दे रखा है 1.04 इज इक्वल टू 1.02, आप शॉक होंगे भाई ये क्यों वैल्यू दे रखी है, तो ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए दे रखी है, अभी हम देखते हैं कहां पे इसका यूज होगा। अच्छा, सबसे पहले हम निकालते हैं एल, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, ये आ गया अंडर रूट 1.224, ठीक है, लेकिन दो के बाद जीरो लगेगा, तो आपको समझा देते हैं, अंडर रूट 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर हो गया 0.04, ये आएगा तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1.04। अब ये वैल्यू आपको यूज करनी है विच इज नथिंग बट 1.02 मीटर, ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल, पाई आपके पास क्या है 3.14, आर आपके पास क्या है 0.2, एल क्या है 1.02, कमाल की चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई 0.2 से कर लेते हैं, तो ये हो गया 8, 2, 6, 1, 2, 3 के पास 0 इंटू 1.02, तो इधर देख लेते हैं 6 to 8 और 1, 0, 2, 2 is 16, 2 is 4, 5, 6 is 12, ठीक है, 2 के बाद 0 एंड 8, 2, 6, 6, 5, 8, 2, 10, 1, 3, 4, 6, ये आपका आ गया 6, 4, 0, 5, 6। अब पॉइंट देखते हैं कितने के बाद लगेगा, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0.64056 मीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस आ गया, कर्व सरफेस एरिया, लेकिन एक कोन का है, लेकिन आपके पास कितने हैं 50 होलो कोन्स हैं जो रोड पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स 0.64056 इंटू 50, ये कितना हो जाएगा, यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5, 6, 30, 3, 5, 25 और 3, 28 जो कि 2 आ गया सीधे सीधे, 5, 6, 20, 2 और 5, 6, 30 और 2, 32, तो भैया ये आ गया आपका 3, 2, 0, 2, 8, 0 और ये वाला भी 0। अब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 32.0028 मीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया 50 कोन्स का, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया आपके 50 कोन्स का,
अब हम देखेंगे यहां पर कि मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, अब मैं इसको ऑन करता हूं। पेंटिंग कॉस्ट दे रखे 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रेट आपको दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, अच्छा 1 मीटर स्क्वायर की तो 12 रुपीज है, अब कॉस्ट इसकी सीधे निकाल लेते हैं 3.32.028 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ये सारी वर्डिंग आपको एग्जाम में बहुत समझ के लिखनी है, 32.028 मल्टीप्लाइड बाई 12। देखते हैं जी इसका आंसर क्या होगा, और जो इसका आंसर होगा वो ये हमारा भी आंसर होगा, 32.028 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। 16, 1, 4, 4 और 1, 5, 0, 2, 4, 6, ठीक हो गया। 8, 2, 0, 2, 3, 6, 8, 5, 13, 2, 1, 3, 4, 8, 3, तो ये आंसर आपका आ गया 384336। डेसिमल लगेगा 3 प्लेसेस के बाद, यानी 384.336 रुपीस कॉस्ट आ गई पेंटिंग की, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपके ये समझ आ गया होगा, जो कि मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद आंसर निकाला है, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप जल्दी कर सके। प्लीज कोशिश करिएगा कि आप जो है कैलकुलेटर का कम से कम इस्तेमाल करें। मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। रोड पर होलो कोन्स रखे हुए हैं, जो कि होलो हैं, 50 कोन्स रखे हुए हैं, ठीक है। आपको उन 50 कोन्स पर पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग करेंगे कर्व सरफेस एरिया पर। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एल चाहिए, जो कि गिवन नहीं है। एल आपका आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 1.02 मीटर, ठीक है। सबसे पहले जितने भी आपके वो दे रखे हैं, जितने भी वैल्यूज दे रखी हैं, वो सिंगल यूनिट में होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो मीटर में दोनों होंगी, अगर सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में करेंगे। हमने मीटर में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि रेट आपका 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखा था, तो हमारे लिए आसान हो गया। अच्छा, इसको हमने आगे किया, कर्व सरफेस एरिया सिंगल कोन का हमने निकाल लिया, सिंगल कोन का कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारा 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये कर्व सरफेस एरिया सिंगल कोन का आ गया तो हमारे पास 50 कोन्स अवेलेबल है, 50 कोन्स का कर्व सरफेस एरिया यहां पर आ गया, टोटल 50 कोन्स का। जब सारे कोन्स का कर्व सरफेस एरिया आ गया तो उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दी सिंपल, तो वैल्यू आ गई। आप ऐसा भी कर सकते थे, सिंगल जो था उसको सबसे पहले रेट से मल्टीप्लाई करते तो एक कोन का रेट आ जाता पेंटिंग का, एक कोन का रेट आ जाता पेंटिंग का, तो फिर उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.3 फिनिश होती है, इसके सारे सॉल्यूशन हमने देख लिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करिए, मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे ईमेल करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी, ओके। सो ट्राई करते रहें, मेहनत करते रहें, एग्जाम बहुत करीब है। प्लीज थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।